Hello viewers, welcome to Knock TV. I am going to teach you the ray, written by W.H. Davies. It is a very comprehensive, wordy and meaningful poem जो W.H. Davies ने लिखी है. इसको हम तीन एंगल से इसकी स्टडी करेंगे. एक इसका आपको उर्दू ट्रांसलेशन कराऊंगा उर्दू विद वर्ड मीनिंग, और दूसरा इसका हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे जिसमें इसकी ग्रामर आपको बताई जाएगी और इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो बेहतर होगी और साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस पार्ट ऑफ स्पीच की वो हो जाएगी. और तीसरा इसका जो है इसकी एनालिसिस करूंगा, इस पोएम का एनालिसिस से आपको एनालिसिस में आपको बताया जाएगा इसका सिंबोलिज्म क्या है, क्योंकि ये एक सिंबोलिज्म से भरी हुई एक पोएम है. इसमें कौन कौन से सिंबोलिज्म यूज हुए हैं, फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज हुए हैं. तो आइए चलते हैं पोएम की तरफ. द रेन. पोइम से पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में आपको बताता चलूं. विलियम हेनरी डेविस, ये एक वेल्स में पैदा हुआ था और इसलिए इसको वेलिश कहते हैं. ये यूके में पैदा हुआ था. यूके की चार स्टेट हैं, चार यूनियन से एक चार यूनियन बनके यूनाइटेड स्टेट इसलिए बना है ना. चारों में एक इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है और चौथी ये वेल्स है. यहां ये पैदा हुआ था. वेल्स में पैदा होने को वेलिश कहते, पैदा होने वाले को वेलिश कहते हैं. ये 1871 में पैदा हुआ था और 1940 में फौत हो गया था. इसी दौरान 69 ईयर इसकी एज थी. इसी एज के दौरान इसने एक वर्ल्ड वॉर वन देखी है और वर्ल्ड वॉर वन का इसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, इसके ऊपर असरात हुए हैं जो इसी पोएम में हमें नजर आएंगे. और दूसरा इसका जो चाइल्डहुड है, बचपन है इसका, वो थोड़ा सा गुरबत में गुजरा है. ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली. सो उसके बाद इसका जो लोगों के साथ बैठना था वो पुअर पीपल के साथ, विलेजर्स के साथ था. तो ऐसे लोग जो हैं वो नेचर को करीब से स्टडी करते हैं. दे आर वेरी क्लोज टू नेचर. थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेटरी माइंड है आपका तो आप वहीं से चीज़ें अखज कर लेते हैं जो कि इसने की हैं, और वही हमें इसकी पॉइंट में नज़र आता है. आइए देखते हैं, पहले इसके पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, उसके बाद इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको लेक्चर में दिए हैं. पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं, उसके लेक्चर अलग से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ उसकी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी. क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, वहाँ मैं आपको बताता हूँ नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, लेकिन यहाँ उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी. इसको अगर आप इस तरह पढ़ेंगे, इसका एनालिसिस करके पढ़ेंगे, इसके पार्ट ऑफ स्पीच को सामने रखेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे और इसके साथ साथ ये आपको जो है इसके आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और साथ साथ आप इसके रियल कॉन्सेप्ट को कैच कर सकेंगे. आइए देखते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच. तो हम देखते हैं पहले रेन पे आए. रेन आपको पता है कॉमन नाउन है, तो रेन नाउन है. लेकिन आपको पता है जब भी हम कॉमन नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हैं तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है. तो यहाँ दी लगा के हमने क्या किया, इसको हमने बना दिया प्रॉपर नाउन. तो दी आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल है और ये नाउन है. इज इट क्लियर? इधर आ जाए. अब आई प्रोनाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का. और हियर क्या है, वर्ब का काम करता है. लीव्स क्या है, लीफ की जमा है ना, लीफ की जमा लीव्स, ज्यादा पत्ते. ड्रिंकिंग ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है. रेन यहाँ नाउन का काम कर रही है. इज इट क्लियर? नीचे आ जाए. आई फिर सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का. हियर क्या है, फिर वर्ब है. रिच क्या है, रिच एडजेक्टिव है. लीव्स क्या है, नाउन है. ऑन क्या है, प्रपोजिशन है. टॉप क्या है, टॉप यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. आपको पता है ना ऑन प्रपोजिशन है और जो भी प्रपोजिशन है वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है और वो नाउन होता है. हालांकि जो टॉप है दिस इज नॉट नाउन, दिस इज एडजेक्टिव, बट हियर इट हैज बीन यूज एज एन एज अ नाउन. यहाँ नाउन यूज हुआ है चूंकि प्रपोजिशन आ गई है. और देखते हैं नीचे, गिविंग वर्ब है, ये वर्ब है और दी आर्टिकल है, पुअर एडजेक्टिव है, बीनीथ बीनीथ एडवर्ब है लेकिन यहां आया एज ए नाउन. बताता हूं कैसे एज ए नाउन है, एक्सप्लेनेशन में बताता हूं आपको मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच एंड ग्रामर. दूसरा देखिए, ड्रॉप नाउन है, नाम है ना, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और ये प्रेपोजिशन से जोड़े गए हैं. ये भी ड्रॉप नाउन है, ये भी ड्रॉप नाउन है, दोनों को प्रेपोजिशन से बुलाया गया है. इट्स ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इट इज की इट्स. ये इट जो है वो प्रोनाउन है और यहां क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है. इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, स्वीट एडजेक्टिव है, नॉइस नॉइस श्योर है ना, नाम है किसी चीज का, तो नाउन है. टू क्या है, टू प्रेपोजिशन है लेकिन यहाँ टू वर्ब के साथ है ना, इसे हम कहते हैं इनफिनिटिव. क्या कहते हैं, इनफिनिटिव. आई हैव टीच यू, आई हैव टॉट यू इन माई
इन्फिनिटिव लेक्चर दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इन्फिनिटिव है, दीज ग्रीन लीव्स, लीव्स नाउन है, ये दोनों लीव्स के एडजेक्टिव हैं, ये भी एडजेक्टिव है दीज, ये भी एडजेक्टिव है दीज। जितने कलर है ना, कलर कलर दो रखते खुद, सी ओ एल ओ यू आर, ये नाउन है, लेकिन कलर जब हम बोलेंगे ग्रीन है, रेड है, वाइट है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और दीज जो है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है ये, लेकिन यहां ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ड्रिंकिंग नियर, ड्रिंकिंग फिर एडजेक्टिव आ गया है, नियर, नियर उसने अपने आप को कहा है कि मेरे नजदीक पानी पी रहे हैं, तो खुद उसने कहा, हालांकि नियर, नियर जो है ये नाउन नहीं है, लेकिन यहां नाउन का काम कर रहा है। पीछे आ जाए, एंड और वेन दोनों कंजंक्शन है, ये बताता हूं दो क्यों लगे हैं, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ठीक है। दी आर्टिकल है, सन नाउन है, नाउन के साथ दी लगता है, आपको पता है ना, जो सूरज के साथ दी लगता है, स्काई के साथ दी लगता है, मून के साथ दी लगता है, और ट्रेन के नामों के साथ दी लगता है, वाटरफॉल के साथ दी लगता है, और जो न्यूज़पेपर के पहले दी लगता है, जो होली बुक्स हैं उनके शुरू में दी लगता है, जब हमने किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर करना होता फिर दी लगता है, जैसे यहाँ लगा है। तो यहाँ कम आउट, ये वर्ब है, ये वर्ब है, प्रेजेंट में वर्ब है, प्रेजेंट डेफिनेट का वर्ब है, एस लगा हुआ है ना ये। आफ्टर फिर प्रेपोजिशन है, दिस, दिस जो है दिस, ये फिर एडजेक्टिव है, रेन फिर नाउन है, शेल हेल्पिंग वर्ब है, और स्टॉप क्या है, ये वर्ब है। इज इट क्लियर? नीचे आ जाए, ए फिर आर्टिकल है, वंडर्स एडजेक्टिव है, लाइट नाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, फिल वर्ब है। नीचे आ जाए, ईच डार्क, ईच डेमोन्स्ट्रेट, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यहां काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, और डार्क भी एडजेक्टिव है, राउंड भी एडजेक्टिव है, और ये सारे एडजेक्टिव क्या बता रहे हैं, ड्रॉप के बारे में, कि जो ड्रॉप है ना, जो बारिश का ड्रॉप है, बारिश का खतरा है, वो राउंड भी है और वो डार्क भी है। और नीचे आए, आई फिर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का, होप वर्ब है, द सन दी आर्टिकल है, सन नाउन है, शाइन्स, शाइन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का वर्ब है, एस लगा हुआ है, और ये वर्ब हो गया। ब्राइट क्या है, ये एडवर्ब है, ब्राइट एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, लेकिन यहां ये यूज हुआ है एज ए एडवर्ब, एडवर्ब। इट जो है, इट ये एक प्रोनाउन है, लेकिन यहां ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब है, बी, बी की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगी हुई ना, ए आर्टिकल है, लवली एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या है, लव, वर्ब क्या है, वर्ब भी लव है, इसका वर्ब भी लव है, नाउन भी लव है, लेकिन इसका एडजेक्टिव लवली है, और साइड क्या है, नाउन है। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको बताया इसके पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसकी ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट टेंस है ना, यहां तक फर्स्ट टेंस है, ये सारे का सारा प्रेजेंट में है, इस वक्त बात हो रही है, इस वक्त बात हो रही है, और दूसरे स्टैंडर्ड में फ्यूचर की बात हो रही है। तो पहला स्टैंडर्ड सारा के सारा प्रेजेंट में है, आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगी हुई है, और ये भी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ये गिविंग प्रोसेसिंग चल रहा है ना, गिविंग इंक तब लगता है जब एक कंटिन्यूसली काम हो रहा होता है, तो इस वक्त काम हो रहा है, ये हियर लगा है, हियर। और नीचे आ जाए तो स्वीट नॉइस, ये एक शोर, उसने कहा कि मुझे बारिश का शोर आ रहा है, और इसके नीचे देखें, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, एस लगा हुआ है, और ये शेल लगा हुआ है। ये मैं आपको बताता चलूं कि जब व्हेन वी यूज कंडीशनल सेंटेंसेस, वी यूज एस फॉर्म और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ऑफ अ सेंटेंस एंड फ्यूचर डेफिनेट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, देखिए मैंने दोनों फ्यूचर में बोले हैं, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो इफ वाला पार्ट होता है ना, वो प्रेजेंट डेफिनेट में उसकी इन ट्रांसलेशन होती है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसका फ्यूचर डेफिनेट में होती है। यहां भी ऐसे हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे होगा, जब तुम आओगे तो ऐसे करेंगे। यहां देखें, व्हेन द सन कम आउट, जब सूरज निकलेगा, लगा हुआ प्रेजेंट है, तो क्या होगा, रेन रुक जाएगी, रेन रुक जाएगी। फिर ये कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है, और कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लास को मिलाने वाला कंजंक्शन भी होता है। यहां देखें, व्हेन कंजंक्शन लगा हुआ है, और एंड का क्या काम है, एंड भी कंजंक्शन है ना, दो कंजंक्शन कैसे आ सकते हैं, इसलिए आ सकते हैं। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन दो नाउन को मिलाता है,
दो प्रोनाउन को मिलाता है, दो वर्ब को मिलाता है, दो क्लॉजेस को मिलाता है, लेकिन यहां कंजंक्शन ने इस पूरे स्टेंजे को इस पूरे स्टेंजे के साथ मिलाया है, लिंक किया है, इसलिए यहां एंड जो है ना ये स्टेंजे के लिए आया है और जो वेन है वो इस सेंटेंस के साथ आया है। इज इट क्लियर? अब इसका उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखें, आई हियर, मैं सुनता हूं लीव्स, पत्तों को, मैं पत्तों की आवाज सुनता हूं, पत्तों को सुनता हूं, और क्या सुनता है पत्तों की क्या चीज वो सुनता है, ये सुनता है ड्रिंकिंग रेन। पत्ते जो है वो ड्रिंकिंग रेन, रेन पी रहे हैं, रेन का पानी पी रहे हैं, बारिश का पानी पी रहे हैं पत्ते, कहता है वो मैं सुनता हूं। यानी शायर कहीं बैठा हुआ है और बारिश शुरू हो गई है और वो पानी जो बारिश है वो ऊपर पत्तों के ऊपर गिर रहा है, वो आवाज सुन रहा है। देखें हियर लगाया उसने, ठीक है, लिसन होता है सुनना, लिसन होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग एंड यू आर सिटिंग बिफोर मी, मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, वो लिसन होगा। और कोई बंदा यहाँ बाहर से गुजर रहा है, उसके कान में मेरी आवाज पड़ी, वो हियर होगा। तो राइटर भी ऐसे इंटेंशनली नहीं सुन रहा था, वो बैठा हुआ था, बारिश शुरू हो गई है, उसको आवाज आना शुरू हो गई है, वो आवाज उसको अच्छी लगी है, उसने उसके ऊपर पोइम बना दी है। और देखिए फिर वो कहता है क्या हियर, एक मैंने ये सुना है मुझे बारिश की आवाज आ रही है, ये वो कह रहा है। दूसरा कह रहा है आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, जो टॉप पर रिच लीव्स है ना वो क्या करते हैं, गिविंग द पुअर बनीथ, वो नीचे वाले पुअर को पानी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, ड्रॉप ऑफ टू ड्रॉप, एक एक कतरा करके दे रहे हैं वो। यानी कि दो वादी मैं सुन रहा हूँ, एक पत्तों के ऊपर गिरने की बारिश की, जो वो बारिश गिर रही है और पत्ते पानी पी रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ। दूसरा मैं सुन रहा हूँ कि ये जो मीर पत्ते हैं, ऊपर वाले पत्ते हैं, नीचे वाले पत्तों को पानी दे रहे हैं ड्रॉप ड्रॉप करके, ये भी मैं सुन रहा हूँ। दो बातें शायर सुन रहा है। फिर देखें इट्स अ स्वीट नॉइस टू हियर, कहता है ये शोर मुझे अच्छा लगता है। स्वीट नॉइस, नॉइस भी है शोर भी है, यानी कि नॉइस भी है शोर है, लेकिन साथ उसने स्वीट कह दिया है, ठीक है। क्यों कहा है ये भी आपको बताता हूँ, एनालिसिस में बताता हूँ आपको मैं। दीज ग्रीन लीव्स, ये पत्ते जो है ग्रीन है, सब्ज है, इसके इसकी भी एक लॉजिक है, इसका भी एक सिंबल है। ड्रिंकिंग नियर, कहता है मेरे पास ये पानी पी रहे हैं। फिर देखें एंड और, ये बेटे खत्म हो गया पहला पार्ट। पहले पार्ट में उसने सिर्फ तीन बातें आई हैं कि पत्तों की आवाज में सुन रहा हूँ पानी जो पी रहे हैं, फिर वो नीचे पानी दे रहे हैं वो भी मैं सुन रहा हूँ, दो बातें उसने बताई। तीसरी उसने अपने कमेंट्स दिए हैं, उसने कहा है कि मुझे ये शोर अच्छा लगता है, मेरे पास जब ये शोर हो रहा है ना पानी पी रहे हैं पत्ते, मुझे अच्छा लगता है। ये तीसरे उसने कमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर। तीन बातें इस स्टैंजे में आई है फर्स्ट में। सेकंड में आती हैं हम, सेकंड स्टैंजा पूरे का पूरा कंडीशनल सेंटेंसेस है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यहां भी ऐसा कहा उसने, जब सूरज निकलेगा तो क्या होगा, बारिश रुक जाएगी। पहला काम, सूरज निकलेगा तो बारिश रुक जाएगी, जब बारिश रुक जाएगी तो अ वंडरस लाइट विल फिल, तो फिर एक सूरज की रोशनी फैलेगी, सूरज की रोशनी पूरी जमीन पे फैल जाएगी और जमीन के ऊपर जो बारिश के कतरे पड़े हुए हैं, ड्रॉप्स ऑफ रेन पड़े हुए हैं, आपको पता है ना, उनको उसने कहा है डार्क राउंड ड्रॉप। दो एडजेक्टिव एट अ टाइम उसने यूज किए हैं ड्रॉप के साथ। कतरे कैसे हैं, राउंडेड हैं, राउंड हैं, गोल हैं, सर्कुलर हैं, और वो डार्क भी हैं। तो डार्क कतरों के ऊपर जब वो रोशनी चमकेगी सूरज की, तो वो डार्क कतरे जो हैं, डार्क ड्रॉप्स जो हैं, वो ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वो कह रहा है कि विल फिल ईच डार्क, हर कतरे को वो भर देगी रोशनी, हर कतरे में रोशनी चली जाएगी, हर कतरा रोशनी से फुल हो जाएगा, भर जाएगा। आई होप द सन शाइन ब्राइट, कहता है मुझे उम्मीद है कि सूरज बहुत आबोताब से चमकेगा, सूरज खूब चमकेगा, ब्राइट लगा दिया ना उसने, सूरज चमकेगा, मुझे पता है सूरज चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, फिर कहता है ये बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा, लवली साइट होगा। साइट सी से निकला है, सी इसका वर्ब है, इसका नाउन है, जो नजारा, नजारा जो नजर आता है, मंजर, सीनरी, कहते हैं बड़ा ही लवली होगा, बड़ा ही खूबसूरत होगा। तो अब हम इसके देखते हैं, इसका एनालिसिस देखते हैं हम लोग। इसके एनालिसिस में आप देखें कि फर्स्ट स्टैंजा जो है वो एक परेशानियों का दौर गुजर रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि रेनी डे जो है ना, रेनी डे की इडियम है इंग्लिश का रेनी डे, और रेनी डे रेनी डे वो कहते हैं बुरे हालात को। मैं एक सेंटेंस बनाता हूं आप समझ जाएंगे, यू शुड सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज, आपको बुरे दिनों के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए। तो रेनी डेज से मुराद यहां बुरे दिन है, और रेन को हर जगह
बुरा नहीं कहा जाता। रेन को कहीं ब्लेसिंग ऑफ गॉड कहा जाता है कि इसको प्लेजेंट वेदर के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन कहीं धूप को प्लेजेंट वेदर कहा जाता है। तो ये डिफरेंट है। यूरोप में धूप जब निकलती है तो वो प्लेजेंट होता है, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में जब बारिश होती है, बादल होते हैं, उसको प्लेजेंट कहा जाता है। तो ये वो कह रहा है कि इस वक्त जो दौर चल रहा है, प्रेजेंट प्रेजेंट की बात हो रही है, जो दौर चल रहा है वो मुश्किल का दौर है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको बताया दो वजह, एक तो इसका खुद बचपन गुर्बत में गुजरा और दूसरा इसने एक जंग देखी है वर्ल्ड वार वन जो हुई थी 1914 से 1918 तक, तो वो भी इस वो 44 ईयर का था ये तब, ये तो इस जंग में वो देख रहा है, जंग देखी है, तो उसको कह रहा है कि ये हमारे जो हालात हैं, परेशानी गुजर रही है ना, कहता है ये ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब परेशानी गुजर जाती है, जब आपको फ्यूचर आपका ब्राइट नजर आता है, तो उसको भी फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है, बल्कि उसने शेल लगाया है यहाँ, लेकिन शेल स्टॉप, कहता है बारिश रुक जाएगी यानी परेशानी खत्म हो जाएगी। कैसे परेशानी खत्म होगी, उसने शेल लगाया। जब भी हम, आपको पता है, आई वी के साथ शेल लगता है गा के लिए, फ्यूचर के लिए, बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन जब हमने बात करनी हो ना, अपनी बात पे स्ट्रेस देना हो, तो हम इसको अपोजिट कर देते हैं, उलट कर देते हैं। जहां शेल लगना है वहां विल लगाते हैं, जहां विल लगना है वहां शेल लगाते हैं। तो आई वी के साथ फिर हम विल लगा देते हैं, और उसने भी ऐसा किया है। देखें, रेन के साथ उसने शेल लगा दिया, विल लगना चाहिए था ना। वो कह रहा है कि मुझे उम्मीद है, यानी यहां से उसका ऑप्टिमिज्म नजर आती है, उसका जो ना सोच बड़ी पॉजिटिव है। कहता है ये परेशानियों के दिन हमेशा नहीं रहते, गुजर जाने हैं ये, और फिर सूरज निकलेगा, तो सूरज जरूर निकलेगा, बारिश जरूर रुकेगी, और क्या होगा फिर कहता है लाइट जो है ना, लाइट वो फैल जाएगी दुनिया में, और वो कतरों को भर देगी, और जितने भी अंधेरे, जितने भी डार्क ड्रॉप्स हैं, राउंडेड ड्रॉप्स उसने कहा है, वो सारे के सारे कहता है ब्राइट हो जाएंगे, उसके उनमें शाइनिंग आ जाएगी, उनकी डार्कनेस खत्म हो जाएगी। और फिर कहता है मुझे उम्मीद है कि सूरज चमकेगा और हर तरफ एक खूबसूरत मंजर होगा। अब बेटे इसमें देखते हैं सिंबलिज्म कौन कौन से यूज हुए हैं। देखिए इसमें रेन खुद सिंबल है। रेन इसलिए सिंबल है कि रेन को उसने कहा है कि रेन, मैंने बताया ना दो तरफ से, एक रेन होती, रेन से मतलब हर्डल्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की परेशानियां जब आपकी राह में आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो रेन मैंने वैसे ही कहा है कि हर जगह एक इसका मीनिंग नहीं होता। रेनी डे को कुछ नेगेटिव लेते हैं, कुछ पॉजिटिव लेते हैं। तो दूसरा बात, उसने एक सिंबलिज्म और आया यहाँ के, यहाँ देखें रेन के बाद एक आया ट्री। ट्री देखें, ट्री एक ट्री है, लेकिन उसके ऊपर दो तरह के लीव्स हैं, कुछ पुअर कुछ रिच। तो एक ट्री है यानी कि वी आर द पीपल ऑफ द सेम, वी हैव द सेम बेस। हम दुनिया में भी हमारी एक बेस है, एक आदम की औलाद है हम लोग, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस पाया जाता है, अमीर गरीब का फर्क है। तो यही यहाँ नजर आता है कि एक दरख्त के पत्ते हैं, लेकिन उनमें भी फर्क है। फिर दूसरे जो पत्ते हैं वो दुनिया है, दुनिया के लोग हैं, और वो अमीर गरीब हैं, वो भी इसके अंदर, वो भी एक सिंबलिज्म है। फिर जो एक नॉइस आया यहाँ, एक लफ्ज आया नॉइस, शोर। शोर बेटे जो हसल एंड बसल लाइफ की है ना, जिंदगी जब जिंदा लोग रहेंगे तो खुशी गमी होगी, तो खुशी गमी होगी तो उसका शोर भी होगा, उसके नॉइस भी होगा, और वो जिंदगी की गहमा गहमी, हसल एंड बसल जिसे हम कहते हैं, क्राउडेड ऑफ पीपल, वो जब होगा वो लोगों का ही होगा जब लोग आबाद होंगे, तो क्योंकि कब्रस्तानों में तो इस तरह हसल एंड बसल नहीं होता ना, तो जिंदा लोगों में ही ये होगा। तो ये शो करता है, नॉइस को शो करता है कि यहाँ आबादी है, लोग हैं, और लोगों की गहमा गहमी है। तीसरा एक और इसमें आया है, ड्रॉप आया है। ड्रॉप को आपने देखा नहीं, ड्रॉप की दो एडजेक्टिव लगे हैं, एक ड्रॉप राउंड उसने कहा है, एक ड्रॉप को उसने डार्क कहा है। राउंड आपको पता है जमीन गोल है, अर्थ इज राउंड, और आपको पता है आसमान को भी देखें तो वो भी अम्ब्रेला की तरह गोल है, नजर आता है। तो ये दोनों चीजों को उसने ना एक साथ जोड़ा है, ये सिंबल है इस चीज का, कतरा भी इसलिए गोल है। तो अब देखें ड्रॉप गोल है, फिर ड्रॉप जो है वो डार्क है, डार्कनेस शो करती है परेशानियों को, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो जो अंधेरा है ना वो मुसीबतों परेशानियों के लिए है, और जो लाइट है वो खुशियों के लिए है, और जिंदगी की एक न्यू बर्थ के लिए है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, जो अंधेरा है वो कहता है अंधेरे जो है वो रोशनियों में तब्दील हो जाएंगे। कैसे तब्दील हो जाएंगे? सूर्य की रोशनी के साथ। जब सूरज अपनी लाइट देगा तो जो गोल कतरे हैं, जो ब्लैक कतरे हैं, डार्क कतरे हैं, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे रोशनियों में। फिर एक और सिंबल यूज हुआ है यहाँ, सूरज। सूरज ने आपको बताया जिंदगी की अलामत है,
जब भी हमने बात करनी हो, हम कहते हैं उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया, उसकी जिंदगी का सूरज तुलू हो गया। गुरूब होने का मतलब है कि आदमी अपनी डेथ की तरफ जा रहा है, और तुलू होने का मतलब है करीब बर्थ हो रही है उसकी। तो यहाँ एक और चीज आई है, ग्रीन, देख यहाँ देखें, दीज ग्रीन लीव्स, ये ग्रीन पत्ते, पत्तों को उसने ग्रीन कहा है। आपने देखा है जब मुश्किल वक्त है लेकिन पत्ते ग्रीन ही हैं। ग्रीन कहने का ये मतलब है कि देखें, एक दरख्त की शाख को आप तोड़कर काटकर जमीन में दबा देंगे ना, कुछ दिनों के बाद वो एक दरख्त बनना शुरू हो जाएगी, और कुछ अरसे के बाद वो एक तनावर दरख्त बन जाएगा, इसलिए कि उसमें जिंदगी की रमक बाकी होती है, वो जिंदा है। ग्रीन होने का मतलब ये है उसमें एक फलने फूलने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन अगर वो सूख जाएगी शाख, फिर उसको दबाएंगे, फिर वो हरी हरी भरी नहीं होगी। यही वो कहना चाह रहा है, कहता है इतनी अगर परेशानी हमारे ऊपर है या बारिश हो रही है, हमारे ऊपर बुरा दौर गुजर रहा है, लेकिन पत्ते हमारे ग्रीन ही हैं। यानी हमें जब भी मौका मिला हमने फौरन फलना फूलना शुरू कर देना है, हमें जरा मौका मिले तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये ग्रीन कह के उसने अपनी जो है ना होप उसको और जो है ना वो बढ़ाया है कि हमारे अंदर एक और बढ़ने की ताकत है। तो ये बेटे इसके अंदर कुछ ना फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। फिगर ऑफ स्पीच होते हैं कि जो अपने मीनिंग से हटकर थोड़ा सा मीनिंग देते हैं। जिस तरह हम देखें, यहाँ आया है कि ड्रिंक, पत्ते जो है पानी पी रहे हैं। क्या पत्ते पानी पीते हैं? नहीं पीते ना। तो जब भी हमने किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग का स्टेटस देते हैं, नॉन लिविंग को लिविंग का स्टेटस देते हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ भी उसने ऐसा पर्सोनिफिकेशन यूज किया है कि रेन पी रहे हैं पत्ते, फिर नीचे उसने कहा रिच लीव, कहा उसने रिच लीव इसलिए कहा है कि ऊपर वाले पत्ते हैं। द लीव्स दैट रिसीव द रेन फर्स्ट दे आर कॉल्ड रिच लीव्स एंड दे क्विच देयर ओन थर्स्ट, पहले वो अपनी प्यास बुझाते हैं, देन दे ट्रांसफर द रिमेनिंग वाटर और द एक्सेस वाटर टू द नियर टू द लोअर लीव्स, फिर वो बचा हुआ पानी नीचे वाले पत्तों को देते हैं, फिर वो अपनी प्यास बुझाते हैं, फिर उससे नीचे वालों को देते हैं, इसी तरह आखिर तक वो पानी पहुंच जाता है। कैसे जाता है? ड्रॉप ड्रॉप करके। तो ये वो कह रहा है, यहां देखिए रिच रिच एडजेक्टिव है। अच्छा, रिच और पुअर दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये अगर एडजेक्टिव है तो अपने नाउन के साथ आएगा ना। देखिए नाउन के साथ आया रिच लीव्स, लेकिन यहां देखे दी पुअर के साथ तो लीव्स नहीं आया ना, इसलिए नहीं आया बेटे कि पुअर और रिच के साथ जब भी दी लगता है ना तो ये खुद प्रोनाउन, ये खुद नाउन बन जाते हैं। और नाउन कौन से बनते हैं? प्लूरल। दी पुअर का मतलब है ज्यादा गरीब लोग, और दी रिच का मतलब ज्यादा अमीर लोग। अमीर लोग उसके अंदर ही शामिल हो गए दी लगने से, क्योंकि दी आपको पता है आर्टिकल है, और आर्टिकल लगता ही नाउन के साथ है। अगर ये पुअर एडजेक्टिव होता ये तो दी नहीं लग सकता था ना, ये पुअर उसने कर दिया दी लगा के इसको। इसी तरह एक और देखें, यहां उसने नाइस को स्वीट कहा है, नाइस को स्वीट कहा है। ये उसने यहाँ क्या किया, उसने यहाँ एक एग्जामिरॉन इस्तेमाल की है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच। एग्जामिरॉन, एग्जामिरॉन ये होता है कि जब एक बात करते हैं उसके दो बातें करते हैं, साथ नॉइस भी है साथ स्वीट भी है, ये कैसे हो सकता है? तो उसने दोनों बातें इकट्ठी की हैं, इसको हम एग्जामिरॉन भी कहते हैं, यूफिमिज्म भी कहते हैं। यूफिमिज्म होता है किसी परेशानी को थोड़ा सा कम करके बताना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हिज फादर डाइड, तो हम डाइड ना कहें, हम कहते हैं पास अवे। तो बात तो वही है लेकिन थोड़े से स्लाइट वर्ड यूज कर दिए, सॉफ्ट वर्ड यूज कर दिए हैं। उसने नाइस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया स्वीट कहके, जिसको हम एग्जामिरॉन भी कह सकते हैं, यूफिमिज्म भी कह सकते हैं, और आयरनी भी कह सकते हैं। आयरनी भी डबल मीनिंग होता है ना। तो यहाँ ये यूज किया उसने। तो यहाँ देखें टू हियर मैंने आपको बताया था कि ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव यूज होता है, लेट के साथ मैंने आपको करके दिखाया था, फिर मैं आपको डेयर के साथ करके दिखाया था जो मॉडल्स हैं हमारे, नीड के साथ करके दिखाया था, मेक के साथ करके दिखाया था, फिर आपको एक था हैज हैव, वो जो हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसमें यूज़ किया था मैंने। और दो तरह के मैंने यूज़ किए थे इन्फिनिटिव, एक बेर इन्फिनिटिव बगैर टू के, एक टू के साथ यूज़ किया था। इज इट क्लियर? तो अब जो है, अब इसको दोनों देखें, अब ओवरऑल इसका ले लें, कर लें। ये पहला पार्ट जो है ये दुख इस गुजर रहे हैं, दूसरा एक उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। तो अब उसको उम्मीद इतनी है कि उसने बताया ना विल की जगह शैल यूज कर दिया कि जरूर ऐसा हो जाएगा, जरूर सूरज निकलेगा, ये सारे परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपसे कहा जाए इस पूरे पोएम का आफ्टरमैथ क्या है, आफ्टरमैथ मीन रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, और इसका जो है लेसन क्या है, इसका
थीम क्या है तो आप क्या कहेंगे? तो उसमें एक ही में आपको एक सेंटेंस में इसका आपको थीम बता देता हूं, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, हर दुख के बाद सुख होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।